हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं लाइसोफिलिंग जो कि मार्केट में बहुत ही प्रचलित है। इसके यूज़, प्राइस और साइड इफेक्ट सब बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइसोफिलिम डॉक्टर के लिखे गए पर्चों पर मिलने वाली दवा है। यह दवा जेल टेबलेट में मिलती है। यह दवा खास तौर से मांसपेशियों में दर्द, दांत में दर्द, गठिए संबंधी दर्द के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लाइसोफिलिम का उपयोग कुछ दूसरे समस्याओं के लिए भी किया जाता है। इनके बारे में नीचे बताए गए हैं। आयु, लिंग और रोगी की पिछली स्वास्थ्य जानकारी के अनुसार लाइसोफिलिन की खुराक दी जाती है। इसकी सही मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि मरीज की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके की दवा दी जा रही है। नीचे दिए गए खुराक के खंड में इस बारे में पूरी जानकारी के साथ बताई गई है। इसके अलावा लाइसोफिलिन के कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। लाइसोफिलिन के यह दुष्प्रभाव आम तौर पर स्थानीय होते हैं और इलाज के पूरा होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अगर यह दुष्प्रभाव और बिगड़ जाते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं तो इसे बारे में अपने डॉक्टर को बताएं। गर्भवती महिलाओं पर लाइसोफिलिन का प्रभाव गंभीर होता है और स्तन पान करने वाले महिलाओं पर इस दवा का प्रभाव हल्का है। लाइसोफिलिन से जुड़ी चेतावनी की इसका लीवर, हार्ट और किडनी पर क्या असर होता है, इसके बारे में नीचे बताए गए हैं। अगर आपको पहले से कुछ चिकित्सक समस्या है जैसे पेट में इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, तो लाइसोफिलिन दवा की सलाह नहीं दी जा सकती है। इसे दुष्प्रभाव हो सकता है। ऐसे कुछ अन्य समस्या भी है जो नीचे बताए गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या हो तो लाइसोफिलिन ना लें। इन उपयुक्त परिस्थितियों के अलावा लाइसोफिलिन कुछ अन्य दवाओं के साथ लिए जाने पर गंभीर प्रतिक्रिया करती है। इन सभी सावधानियों के अलावा याद रखें कि वाहन चलाते समय लाइसोफिलिन को लेना सुरक्षित है, साथ ही इनकी लत लग सकती है।